मायके से कुछ भी आता है तो लड़कियां क्यों खुश हो जाती हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए वीडियो में। सुबह का टाइम है और देखिए मैं रोज़ की तरह आज भी मॉर्निंग रूटीन में लग गई हूँ और जल्दी जल्दी अपने रूम को साफ़ सुथरा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा हिमांशु स्कूल चला गया है और उसके जाने के बाद से ही मैं ये सब कर पाती हूँ। तो सुबह उठ के मैंने पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद से अपना ये सब देखिए सब व्यवस्थित कर रही थी कि अचानक मुझे फ़ोन आया। और फ़ोन किसका आया आगे मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में, बने रहिएगा मेरे। तो देख सकते हैं मैं पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद से आप लोगों से अच्छे से बात करूँगी और मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं रोज़ की तरह मॉर्निंग रूटीन कर रही थी और अपना सब काम समाप्त करने के बाद से ही मैं कुछ और काम करती हूँ। तो पहले तो झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद से बिस्तर वगैरह जो भी रहता है ठीक ठाक करती हूँ, आप लोग तो देखते ही हैं। और उसके बाद से जो भी है देखिए ऐसे ही मैं करते रहती हूँ काम को। और फिर बहुत सारा आज कपड़ा मैं भिगा के रखी हूँ और उसको पहले मैं कपड़े को भिगा देती हूँ, उसके बाद से धुलती हूँ, क्योंकि तुरंत कपड़ा सर्फ़ में या डिटर्जेंट पाउडर हो या डिटर्जेंट के खोस में भगाने से और लगाने से मैल, जो जितनी मैल होते हैं ना वो छूटते नहीं हैं। तो मैं पहले उसे सर्फ़ में भिगा देती हूँ, उसके बाद से कपड़े धुलती हूँ। और इससे कम टाइम में धुल भी जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि जब भीगा नहीं रहता है तो रगड़ना पड़ता है। आज मेरे यहाँ कौन आया है और मैं आपसे मिलवाऊंगी, और अभी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और मेरे भाई हैं, मायके से आए हैं और तीज होता है वो लाया है, क्योंकि तीज पहले आती है लेकिन उनको टाइम नहीं था और टाइम के अभाव की वजह से वो आ नहीं पाए, तो आज दो तीन दिन चार दिन के बाद से लाए हैं तीज, क्योंकि तीज उसके बाद भी अगर मन में इच्छा होती है बहन बेटियों को अपने तीज भेजने की तो वो तीज के बाद भी लोग लाते हैं, और फिलहाल तो तीज के पहले ही तीज दिया जाता है, लेकिन अगर समय नहीं है तो बाद में भी तीज दिया जा सकता है। तो उस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि तीज में क्या क्या आया है। और इस तरह से अब देखिए मैं यहीं पे ब्लॉग समाप्त करूंगी, उसके बाद से मिलवा लूँगी, उसके बाद से अपने ब्लॉग समाप्त करूँगी। तो देखिए जो आने वाले थे वो आ चुके हैं, और ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं। और मैं रक्षाबंधन में गई थी तो आप लोग को वीडियो में जो लोग मेरी वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। तो देखिए ये आ चुके हैं और बैग में इनके कुछ है, इनके जादू के पिटारे में कुछ है, तो देखिए आगे मैं दिखाऊंगी कि इनके जादू के पिटारे में क्या क्या है। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। तो देखिए मैं इस घर पे आ गई हूँ और यहाँ देखिए मैंने चाय चढ़ा दिया गैस पे और उनको चाय पीना है, क्योंकि खाने के लिए पानी उनी तो वो पी कर आए थे, खा के आए थे रास्ते में, तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन चाय बनाने के लिए बोली, चाय बना के मैं अभी ले जाऊंगी, क्योंकि उनको चाय की बहुत ही तलब लगती है, वो बहुत ज़्यादा चाय लोग पीते हैं। तो देखिए मैं यहाँ चाय बना रही हूँ और देखिए अभी भी हमारे यहाँ कपड़े का जो होता है सेउटा उसी से पकड़ा जाता है। तो फिलहाल अभी मेरे भाई आए हैं, आप लोग से मिलवा चुकी हूँ और उन अब मैं उनको चाय वाय दे चुकी हूँ, चाय पानी पी के, और उसके बाद से वो चले गए हैं चौराहा पे, क्योंकि हिमांशु के पापा भी इस समय हैं नहीं और वो भी चले गए हैं बाहर। तो आने से पहले मतलब भाई अभी बताया नहीं, सरप्राइज़ था तो इसलिए बताया भी नहीं, और रास्ते में जब आ गए तब बताएं, तो इसलिए मैं आप लोग को भी नहीं कुछ बताई सुबह।
देखिए वो जो लाए हैं मेरे लिए, जो तीज का जो गिफ्ट होता है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं। मैं नज़दीक से आप लोग को दिखाती हूँ, तो दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से आपको क्या क्या लाए हैं दिखा रही हूँ। तो यह देखिए ये साड़ी है, और यह देखिए मिठाई, और ये है फल सेब, और यह देखिए श्रृंगार का जो चीज़ होता है जैसे पाउडर हो गया, ये शीशा है, कंघी है, नेल पॉलिश, आलता ज़रूरी होता है, सिंदूर ज़रूरी होता है, तो ये सब देखिए। ये लिक्विड वाली सिंदूर है, मेहंदी है, और ये देखिए चूड़ी। तो ये सब लाए हैं, देख सकते हैं किसका किसका तीज आता है मायके से, किसका नहीं आता है, और इस मामले में कौन भाग्यशाली है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर किसी के मायके से तीज नहीं आता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि नहीं देते हैं तीज, छोड़ देते हैं तीज, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बहन बेटी हैं तो उनका एक एक शौक होता है, तो उनको कुछ भी आप ना दीजिए, लेकिन ये चीज़ जो है जिसको वो ससुराल में या कहें उनकी इज्जत बनती हो ऐसी चीज़ वो हमेशा निभाएं। तो तीज भेजते रहिए अपनी बहनों को, बेटियों को, जो भी लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ही आशाएँ लगी रहती हैं अपने मायके से सभी लड़कियों को। तो आज मेरे भाई रुकेंगे, और उसके बाद से शाम को हमारे यहाँ देखिए चिकन बनेगा, उसके बाद सब लोग खाएंगे, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, आज मंगलवार है मैं नहीं खाती हूँ, तो और लोग खाएंगे। तो मेरे ख्याल से चिकन नहीं आया है, शायद मछली आया है, अभी मैं चाय बना रही थी उस समय कोई लाया, तो मैं जब बनेगा तो आप लोग को ज़रूर खिलाने के लिए जो दूंगी, तो ज़रूर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो इस तरह से मेरी वीडियो को आप लोग वॉच करिए और देखते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग वीडियो पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।